मैं एक जगह से दूसरी जगह फिजाई सफर के अंदर था। उस जहाज के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती भी बैठे थे। हमने ख्वाहिश जाहिर की कि हमारी सीटें एक साथ करवा दो, और हमारी जब सीटें एक साथ करवा दी गई, 2-2.5 घंटे का सफर था, तो बड़ी लंबी गुफ्तगू रही, बातें बड़ी तारीखी हुई। उनमें से एक जुमला हमने उनसे ये कहा कि आप अपने दोस्तों से कहें कि हमारे खिलाफ उन्होंने जो असलहा उठाया हुआ है वो असलहा रख दें, इसलिए कि हमें मार कर उन्हें कोई फायदा होने वाला है नहीं, और बेवकूफ़ी ना करें, इसलिए कि वो हमारे बदन को मारते हैं, हम उनके नज़रिए को मारते हैं। और साबित तो यही हो रहा है कि वो हमें मार कर मुस्तरिब हैं और हम मर के मुतमईन हैं। लिहाजा ये कोई अच्छा काम नहीं है। उनसे कहिए कि वो असलहा रख दें, हमारे खिलाफ तलवारें न चलाएं, हमारे खिलाफ गोलियां न चलाएं, हमारे खिलाफ कलम चलाएं, किताबें लिखें हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ किताबें लिखें। अब मुझे नहीं पता पूरे पाकिस्तान में ये आप पारा का थाना ही क्यों है जो FIRें काटता है। सामे हो तो ऐसे हो भाई, अभी मैंने बात शुरू नहीं की कि आखिर तक पहुंच गए। मैंने तो कहा है कि इनसे कहो कि FIR काट दें, मेहरबानी करें हमारे ऊपर। अभी तो दरखास्त दी है, FIR नहीं काटी है। दलील लेकर आओ, बात करो भाई। हम इत्तेहाद, मैंने आज सुबह फज्र जोहर की नमाज, आज दिन में जोहर की नमाज कराची एयरपोर्ट पर अहले सुन्नत तालीम के पीछे पड़ी है। एयरपोर्ट पे जमात हो रही थी, मैं अलहदा क्यों पढ़ू? जब मैं मक्के में पीछे पढ़ता हूँ, मैं मदीने में पीछे पढ़ता हूँ, मैं यहाँ क्यों उसके पीछे नहीं पढ़ू? मैं पढ़ूंगा, हमारे तमाम फुकाहा की इजाजत है। आयतुल असिस्तानी ज्यादा ज्यादा फरमाते हैं किरत अपनी करो, आखामनाई तो ये कहते हैं किरत की भी जरूरत नहीं, उनके पीछे पढ़ो। या तो मैं उस पाए का आलिम हो जाऊं जो उनकी बात को न मानूं, उस पाए का आलिम नहीं हो तो मुझे मानना पड़ेगा। भाई आयतुल्ला सिस्तानी भी डॉक्टर की तकलीद करते हैं जब बीमार होते हैं, तो आयतुल्ला खामनाई भी इंजीनियर की तकलीद करते हैं जब उन्हें कोई मदरसा बनवाना होता है, तो हर एक्सपर्ट की राय पर अमल करने को ही तो तकलीद कहते हैं। थक रहे हैं आप मेरी बातों से? तो ये बात बहुत रोशन है। हम अपने मकतब की बुनियादी उसूलों से हाथ उठा लेंगे तो शिया कहां रहेंगे? वो अलहदा बात है जो मैंने बात की, वो एक अलहदा बात है, एक फिकी मसला है, एक समाजी मसला है, लेकिन तशय्यो की जो बुनियादी पैगाम शियत की बुनियाद जनाब जहरा ने डाली है। बीबी तशय्यो की बानी है। भाई मैं तो इशारे में बात करूंगा, मेरा मजमा सामे मजमा समात में बहुत जहीन है, तारीखी शहर है जिसमें मजलिस पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ इशारे में बात करूंगा, आप पहुंचेंगे आप खुद जैसे अभी पहुंच गए थे। तवज्जो चाहूंगा, मौला हुसैन के कातिलों से नफरत करने वाला किसी भी कैंप में रह सकता है, मौला अली के कातिलों से नफरत करने वाला किसी भी खैमे का हो सकता है, मौला हसन के कातिलों से नफरत करने वाला किसी भी खैमे का हो सकता है, मगर जनाब जहरा के कातिलों से नफरत करने वाले को यहां आना पड़ेगा। हाँ दलील लेकर आओ। मैंने इनसे कहा जी हमारे खिलाफ किताब लिखें, हमारे खिलाफ कलम चलाएं। तो मुफ्ती साहब फरमाने लगे बड़े जिगर की बात है, बड़े हौसले की बात है, बड़े हिम्मत की बात आपने की है कि आप अपने दुश्मनों मुखालिफों को अपने खिलाफ बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ किताबें लिखो। मैंने कहा मुफ्ती साहब सवाल का होना ऐब नहीं है, जवाब का ना होना ऐब है। आप फोरम बिठाइए, आप किताब लिखिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो परेशानी एक तबके को लाहक है वो यही परेशानी लाहक है जी, 100 सुनार की 1 लोहार। आप 50 किताबें लिखेंगे, हम एक ही किताब के अंदर बीबी का दरवाजा बता देंगे आपको। तो दलील से बात होनी चाहिए, और कट हुज्जती करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता।
बहस व मुबाहसा वो करे। मैं सुन्नी उलमा के एहतराम का भी कायल हूं। आपको इख्तलाफ मुझसे हो सकता है, इस वक्त मजलिस में पढ़ रहा हूं, जब आप पढ़े तो जवाब दे दीजिएगा। मैं सुन्नी उलमा के एहतराम का इसलिए कायल हूं, बरेलवी आलिम भी आलिम है, देवबंदी आलिम भी आलिम है, सलफी आलिम भी आलिम है। उलमा का एहतराम इसलिए कीजिए कि कुरान ने जाहिलों से बात करने को मना किया है। अगर आलिम नाशरे में नहीं होगा तो बात किससे होगी जी। हर आलिम का एहतराम कीजिए इसलिए कि उससे बात होनी है जी। इल्म कट हुज्जती बहस मुबाहसा तकरार जिद्दियत ये अल्लाह को पसंद नहीं है। बात मानो, बात सुनो, बात समझो, दलील लेकर आओ, रद्द करो। और हर शख्स को कभी भी डॉक्टर के नुस्खे पर बीमार एतराज करता है तो डॉक्टर उसकी सुनता नहीं है। डॉक्टर कहता है किसी और डॉक्टर के पास चले जाइए। तुम्हें अगर डॉक्टर से इख्तलाफ है तो जाकर मैकेनिक से इलाज नहीं करवाओगे। अगर डॉक्टर से इख्तलाफ है तो जाकर इंजीनियर से नुस्खा नहीं लिखवाएंगे, जाएंगे फिर भी डॉक्टर के पास। इसको नहीं मान रहे, मानेंगे दूसरा भी डॉक्टर ही होगा। तो हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट के खिलाफ बात करना ये माकूल नहीं है।